three vectors A, B, and C are such that A vector plus B vector plus C vector equal to zero vector. तीन वेक्टर ऐसे हैं, तीनों को जब प्लस करते हैं तो बन जाता है जीरो वेक्टर। एक कंडीशन तो ये है। उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है म्यू। म्यू एक क्वांटिटी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं म्यू जो है ये इसके इक्वल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये सारा डॉट प्रोडक्ट का सम म्यू के इक्वल है। ये कैलकुलेट करना है और गिवन कंडीशन ये है, मॉड ए की वैल्यू 3 है, मॉड बी की वैल्यू 4 है और मॉड सी की वैल्यू 2 है। अब आप मेरे को ये बता दो, क्वेश्चन आपको साफ साफ हिंट दे रहा है कि कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हिंट मिल रहा है सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके करेंगे। राइट, ये देखो ये ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की फॉर्मूले में तीनों आते हैं और ए प्लस बी प्लस सी भी जीरो है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला? मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्म इक्वल टू क्या होता है? ये मॉड ए स्क्वायर, चलो आगे, राइट, टू ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो गया बस। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो वेक्टर की लंबाई क्या होती है? जीरो, ये जीरो रख दो, ये आप आगे पुट कर लो अपने आप, ये थ्री रख लो, ये फोर रख लो, ये टू रख लो, टू को ऐसे ही रहने दो और इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लो, खत्म क्वेश्चन, टू मार्क्स का क्वेश्चन, आगे अपना आप ही कर लो, इसमें कुछ है ही नहीं। थोड़ा जल्दी इसको डाल देना आप, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 29, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 29, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। हो गया सर आंसर -29/2 आ रहा है। करेक्ट, ये जो क्वांटिटी है ना इसको म्यू से डिनोट करना है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है -29/2, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू ये आ रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टू मार्क्स में आ सकता है ये। टू मार्क्स हो गए, अब इसके ऐसा एक और एनसीईआरटी में वो भी करो, दो और बचे हैं बस अभी। हो गया सबका? हो गया निशांत? हो गया -29/2? यस, 9 + 16 = 20, नहीं 9 + 16 = 25 और 4 = 29, इन तीनों का सम 29 हो गया इधर जाके -29 और ये 2 डिवाइड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल 28 एनसीईआरटी मिसलेनियस, एग्जांपल 28 एनसीईआरटी लिख लेना। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट, बी थ्री वेक्टर्स सच दैट, ये तीन वेक्टर हैं, अब कंडीशन सुन लो क्या क्या दी हुई है। सच दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 3, यानी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का 3 है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 4 एंड मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर 5 है, एंड ईच वन ऑफ देम, एक और कंडीशन दी हुई है, एंड ईच वन ऑफ देम being perpendicular to the sum of the other two, and each one of them being perpendicular to the sum of the other two, इसका जरा आप मेरे को मतलब समझा दें। And each one of them, इन तीनों में से हर कोई एक vector is perpendicular to the sum of the other two, इस line का जरा। परफेक्ट, चलो मैं भी पूछूंगा वो, एक चीज और लिख लो इसमें, आपको इवैल्यूएट क्या करना है, आपको ये इवैल्यूएट करना है, पहले लिख लो फाइंड मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस, फिर से क्वेश्चन आपको हिंट दे दिया कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मेरे को तुषार ने बताया, इसका मतलब है ईच वन ऑफ दैट इज परपेंडिकुलर टू अदर टू, का मतलब ए जो है वो परपेंडिकुलर है, बताओ किस पर? बी प्लस सी के टोटल सम पर,
अब बताओ दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर बोले जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो? डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वेट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट करते हो, तो मैं ये भी लिखूंगा, देखो दैट इंप्लाइज करके ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमने क्वेश्चंस में दो बात एनालाइज करी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट ऐसे ब्रैकेट के बाहर होता है तो हमेशा हमने ब्रैकेट खोले ही है, जनरली हम इसको भी खोल देते हैं। चलो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो, ये तो आपने ए को लिया है बी और सी पे परपेंडिकुलर, अब बी की बारी है। अब बी किसके परपेंडिकुलर होगा बताओ? बी परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, तो दैट इंप्लाइज बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए के साथ जीरो होगा। इसको भी ओपन कर लो, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इक्वल टू जीरो, और अभी एक और बनाओगे, उसके बाद आप इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे और उसके आगे आप खुद करोगे। अब आप ट्राई करो, मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दे दू। एनसीईआरटी मिसेलेनियस क्वेश्चन नंबर 28 है। हाँ अब डालेंगे तो सही स्क्वायर में, लेकिन डालेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास ना देखो तीनों के मॉडल्स तो हैं, लेकिन आपके पास ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए की वैल्यू नहीं। तीसरा वाला लिख लिया था आपने इसके नीचे, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी का सम, एंड दैट इंप्लाइज क्या, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू जीरो है। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का रूट 50 आ रहा है, रूट 50 आ रहा है, ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। बस आप मुझे ये बता दो, ये जो ब्रैकेट है ना लास्ट वाला ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे? ये तीनों तो हैं आपके पास, फर्स्ट थ्री इक्वेशंस को ऐड करके जीरो आ जाए। करेक्ट, आप भी ठीक कह रहे हो, पिछले इधर बच्चे भी ठीक कह रहे हैं। ये जो फर्स्ट तीन इक्वेशन है ना, ये वाली और ये वाली, इनको मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3, इन तीनों को ऐड करके दिखाओगे तो ये पूरा बन जाए। लेकिन आपको ये ऐड करके दिखाना, ये मत सोचो कि टीचर को अजम्पशन है कि ये जीरो है। आप कैसे ऐड करोगे, 1 2 3 मार्क कर लिया, आप इसको अलग से यहाँ पे ऐड कर लोगे 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जब इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए डॉट बी और ये ए डॉट बी, ये ऐड होके ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बन रहा है। ऐसी दो बी डॉट सी बन रहे हैं, दो ए डॉट सी बन रहे हैं, तो टू कॉमन लेके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो है। ये आपने अलग से दिखा दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व, बाकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0, ये हो गया पूरा 50। तो मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 50 या 5√2 भी कह सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, वेटेज 2 मार्क्स हो सकती है। एक और बचा है वो और करो, फिर शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके 28, 29, 30 तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 हम पहले कर चुके थे, हमने 30 एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें एक वेक्टर को डिकम्पोज करते हैं 2 वेक्टर में, एक पैरेलल वाला एक परपेंडिकुलर वाला। अच्छा अब आप एक लिखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको करवा दिया था परसों, आप 13 लिखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, आगे सुनो, विद अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर के साथ, विद अ यूनिट वेक्टर, इसका स्केलर प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर के साथ, अब वो यूनिट वेक्टर क्या है वो भी सुन लो आगे, अलोंग अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं 2i-4j माइनस 5k, एक ये एंड लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1, इन दोनों के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हमें इसके साथ लेना है, और वो डॉट प्रोडक्ट आपको कह रहे हैं ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो आपको बतानी है लैम्डा की वैल्यू। एनसीईआरटी मिसिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बल्कि एक काम करो ना, पहले इन दोनों का सम कर लो, इनको कुछ नाम रख लेते हैं, चलो देखो स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करवाता हूं मैं, ये जो पहले वाला है उसका नाम ए रख लेते हैं, ठीक है, जो बाकी के दो हैं उनको बी और सी नाम दे देते हैं, थोड़ा समझाने में दिक्कत नहीं आएगी ना मैं टीचर को, ये बी हो गया ये सी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाना है, क्या करोगे बताओ, सम के अलोंग चाहिए एक यूनिट वेक्टर, सम कैसे करेंगे चाहिए बताओ, ऐड करके डिवाइड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल, सम ऑफ द वेक्टर्स, दोनों को प्लस करो सबसे पहले, तो ये लो प्लस कर लेते हैं, बी प्लस सी, टू आई में लैम्डा आई ऐड करके बताना कितने लिख दो, प्लस लैम्डा आई, टू प्लस लैम्डा आई, ऐड तो कर नहीं पाएंगे ना, तो ऐसे ऐड कर देंगे टू प्लस लैम्डा आई, अच्छा माइनस फोर जी में प्लस टू जी ऐड कर दो, माइनस टू जी, हाँ इसके साथ करेंगे ना फिर, और लास्ट वाला ऐड करना माइनस टू के कैप्स, माइनस टू के, लेकिन ये ऐड हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं बनाया अभी तक, तो हम बनाने जा रहे हैं इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर, उसको एक नया नाम दे देते हैं, लेट्स से डी कैप, ये कैप क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर, और वो भी इसके अलोंग जहां बनाना है, क्या तरीका होता है वो तो बोलो बनाने का, किसी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होगा, परफेक्ट, जो भी वेक्टर होता है उसी वेक्टर को नोट करना है और उसको डिवाइड करना है इसी के मैग्नीट्यूड के साथ, तो अंडर रूट में जरा दिशांत बोलना, मैग्नीट्यूड में कैसे निकालते हैं अंडर रूट में, नीचे आता है ना, कर दिया, आगे बोलो, कर दो, करके बता दो कितना हो गया, फोर, और आगे तो एट लिख दो सीधा, ये हो गया, ठीक है। अब आप i प्लस j प्लस k का, यानी जिसको आपने a नाम दिया हुआ है, इस वेक्टर का, इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और वो इक्वल टू 1 रखना, आपको लैम्डा मिल जाए, डॉट निकाल लोगे इसका i प्लस j प्लस k का इसके साथ, तुषार निकालना i प्लस j प्लस k का इसके साथ डॉट, बताओ कैसे निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, परफेक्ट एकदम, आगे बोलो, 1 इंटू माइनस 2 हो गया, आगे बोलो, और फिर से माइनस 2, ठीक है बिल्कुल, और इसका क्या करें, ये जो है प्लस ये अपॉन में रहेगा, ये लो, ये 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 8, और ये किसके इक्वल रखना है डॉट प्रोडक्ट हमें, 1 के इक्वल रखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके अपना जो है लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, है ना, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर देना, बाकी जो बचा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायरिंग कर लो, मेरे ख्याल से देख लो मतलब क्या करना है अलजेब्रा इसके बाद, तो सो लैम्डा इज 1,
लैम्डा इज वन करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देना, एनसीईआरटी मिसेलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, लैम्डा की वैल्यू 1। भाई मेरे को बाकी लोग बता दें आई या नहीं आई, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायरिंग कर लेना उसके बाद बोथ साइड्स। इधर तो बचेगा लैम्डा माइनस टू, इधर ये रूट आ जाएगा पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये ऐसे आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो ये लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर खोल देंगे ना, ये अपना लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर ओपन हो गया, यहां से रूट हटा देना ये वाला और ये अंदर का सारा सॉल्व कर लो। इसमें लैम्डा नहीं बनाएगा, माइनस वन आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, मैंने कोई बैठा को लगता नहीं दिया, वैसे इसका वन ही आता है, मेरे को याद भी स्कैन कर दो। ओ ओ ओ यस सर, माइनस वन यार, माइनस वन आ रहा है, ठीक है, माइनस वन आ रहा है भाई, क्योंकि ये चार से चार तो कैंसिल ही हो गया, फिर ये फोर लैम्डा से आके माइनस हो गए तो माइनस एट लैम्डा बन गए इक्वल टू एट, तो दैट इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू तो प्लस वन आती है, मुझे याद है, एक मिनट देखिए मेरा, एनीवेज अगर ये वेक्टर सही के बिना तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चैप्टर 9 नहीं, चैप्टर 10 है तो इसमें लैम्डा देखो वन ही दिया हुआ है सर, ये मिसप्रिंट है, कई बुक्स में वो वेक्टर की वैल्यू मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर ना वैसे तो वन आता है लेकिन इन दोनों का सम मैं चेक कर रहा था, हमने सम भी ठीक ही किया। ये कई बुक में ना आपको माइनस थ्री के मिलेगा, कई बुक्स में है ये माइनस थ्री के, तो ये माइनस एट हो जाता है उस केस में, फिर यहाँ पे लैम्डा माइनस एट आ जाता है, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ, एनीवेज हमारा क्वेश्चन ठीक है माइनस वन, ठीक है जी आगे चलते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी, और कुछ और इंपॉर्टेंट बाकी आर डी से वो मैं आपको रिविजन टाइम पे कराऊंगा, अभी हम फोकस में एनसीईआरटी और कुछ आर डी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये कैसे डिफाइन होता है, दो वेक्टर हैं सपोज करते हैं, एक ए वेक्टर है अपना कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, इसी पॉइंट से एक और बी वेक्टर है इसका भी अपना कुछ मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा बना हुआ है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको क्रॉस से शो करते हैं, बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं, इसीलिए इसको बुलाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्या होता है ये, वेक्टर ए की लेंथ जैसे आपके डॉट प्रोडक्ट में थी, वेक्टर बी की लेंथ जैसी हमारी डॉट प्रोडक्ट में थी, डॉट प्रोडक्ट में इस थीटा का कोसाइन यूज किया था कॉस थीटा, यहां पे यूज करेंगे साइन थीटा। अब मेरे को बताओ यहां तक क्या बनाइए, ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है, यहां तक ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्यों है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और साइन थीटा भी एक नंबर होता है, तो ये सारा मल्टीप्लाई करके एक नंबर है, यहां तक तो ये स्केलर है, लेकिन इस स्केलर क्वांटिटी के साथ जो भी ये सॉल्व करके आएगा, पांच आएगा, चार आएगा, जो भी आएगा, उसके साथ एक एन कैप वेक्टर मल्टीप्लाई में रखा जाता है। सपोज करो मैंने कहा ये फोर आएगा सॉल्व करके, तो ये बन जाएगा फोर टाइम्स ऑफ एन कैप वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर का चार गुना, तो ये फाइनली क्या बनेगा, वेक्टर या स्केलर, अभी वेक्टर बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी का, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बुला लेते हैं। अब ये एन कैप है कहां, ये कौन सा वेक्टर है, कैपिटल वेक्टर, ये लंबाई इसकी एक यूनिट होती है, ये कुछ ऐसे होता है देखो, जैसे ये ए और बी है, ये तो इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों, इसी सरफेस पर लाई करेंगे, और ये जो एन कैप होगा, एन कैप वो इन दोनों के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर आता है सामने की तरफ से, ऐसे जो बिल्कुल ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट ये वेक्टर जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे परपेंडिकुलर होता है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर इस पूरे प्लेन पे कहीं पे भी हो सकता है जिस प्लेन पे ये ए और बी लाई करता है, ये एन कैप, ये जो वेक्टर होगा ना ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ए पे परपेंडिकुलर भी होगा और बी पे परपेंडिकुलर भी होगा, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी ये जो इस मार्कर की लेंथ है ये एक यूनिट होगी। तो हम अब कॉपी पे ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे कैसे ड्रॉ करें कॉपी पे, तो आप देखोगे एन कैप को बुक वगैरह में या किसी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसे बनाया गया होगा, डायरेक्शन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई भी ले सकते हैं, ये आपका एन कैप होता है, ये आपका बी वेक्टर, ये इस तरह से फिगर बना के दिखाई जाती है।
एक्चुअल में ये वेक्टर ऐसे नहीं है जैसे सामने की तरफ से आए। हाँ जी बोलो। तो सर ये हमेशा इंटरसेक्शन पे ही होगा? नहीं, ये होगा तो यहाँ पे, लेकिन आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो इस पूरे प्लेन पे जहाँ पे ए और बी लाई कर रहे हैं ना, ये जो एन के वेक्टर है इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, जहां पे भी मूव करेगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर ही आएगा। ओके, लेकिन रहेगा वो परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो थ्री टाइम्स ऑफ ए कैप है, कोई वेक्टर है मान लो, ऐसे पूछ रहा हूँ अलग से एक बार, इससे रिलेटेड नहीं है मतलब, और मैं आपसे पूछूं मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो क्या होगा। अगर किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मान लो मैं आपको ऐसे दूं, थ्री हटा दूं, तो आप मुझे बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि यहाँ पे वन मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके आपको बोलूं कि इसका मुझे मैग्नीट्यूड बोलो, तो वेक्टर नहीं भी है मान लो आपके पास, तो भी आप बोल सकते हो इसका मैग्नीट्यूड थ्री है। ठीक है, अब बताओ ये भी तो एक वेक्टर है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये क्या है, ये साथ में जो लिखा हुआ है जैसे थ्री लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये इसका एक मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब अगर हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप कितना पार्ट ले सकते हो इसका? नहीं, एन कैप क्यों लिखेंगे फिर आप? फिर तो बस इतना लिखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा अभी एक वेक्टर है फोर ए कैप, मैंने कहा मुझे इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आपने क्या बोला? फोर बोल दिया। ऐसे मैं पूछूंगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप ये बोल दोगे पूरा, ये फोर है फाइव है जो भी है, लेकिन यही मैग्नीट्यूड है। इसको आप डालो प्रॉपर्टी नंबर वन, यहां से शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट आप ये देख रहे हो ना जो पहले वाला फॉर्मूला, ये तो कहीं यूज ही नहीं होता, यहीं से यूज करना शुरू करो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सेकेंड, जैसे डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करता है, वैसे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, नहीं होल्ड करता। मतलब ए क्रॉस बी को अगर आपने बी क्रॉस से बनाना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो लॉजिक लगा के बताओ क्या आना चाहिए, मेरे बताने की जरूरत नहीं। जीरो, जीरो, क्योंकि यहां पे एंगल आएगा जीरो, भाई ए और ए के बीच में एंगल जीरो हो गया और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो कभी भी जब आप सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जीरो हो जाता है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो जब हम आई का क्रॉस आई से करते हैं और जे का क्रॉस जे से करते हैं या के का क्रॉस के से करते हैं तो ये हमेशा जीरो होता है, राइट? लेकिन अगर हम आई का क्रॉस जे से करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। देखो यहां से शुरू करते हैं, ए को आई कैप रख लो, बी को जे कैप रख लो, ठीक है? तो यहां पर आया आई कैप का मैग्नीट्यूड वन हो गया, यहां पर आया जे कैप का मैग्नीट्यूड ये भी वन हो गया। आई और जे के बीच में एक एंगल बना होता है, कितना डिग्री एंगल होता है आई और जे के बीच में? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? वन। तो वन इंटू वन इंटू वन, ये सब तो क्या बन गए? वन बन गए। आई क्रॉस जे के केस की बात कर रहे हैं, अब क्या रह गया खाली? एन कैप। एन कैप लगा हुआ इसका मतलब कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, है ना भाई? यूनिट वेक्टर है, लंबाई इसकी वन यूनिट है, लेकिन ये एन कैप कैसा होता है? ये ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है, ये भी तो है ना बात? आपके ए और बी तो फिलहाल अभी आई और जे मान लिए मैंने, तो मेरे को बताओ कोई ऐसा वेक्टर जो यूनिट हो और आई और जे पे परपेंडिकुलर हो, एक ही ऐसा वेक्टर, ए कैप। ए कैप। तो इसलिए जब आप आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालते हो तो ये हमेशा इक्वल होती है के कैप के। आई क्रॉस जे ऑलवेज इक्वल टू के कैप। Similarly, J cross K is equals to I cap. Similarly, K cross I is equals to J cap. और अगर आपने इसको उल्टा किया, जैसे J cross I लिखना चाहते हो, तो वो minus K cap हो जाएगा। इस property को बेहतर होता है use करना इस तरह से। Circle बनाओ exam में, ऐसे तीन arrow लगा दो, ऐसे anti-clockwise direction में, यहाँ पे I J K लिख दो, और यहाँ से निकाल लो कोई भी cross product। जैसे मान लो आपको निकालना है आई क्रॉस जे, तो आगे चलो के मिला, तो आई क्रॉस जे के हो गया। मैंने कहा जे क्रॉस के निकालो, तो जे क्रॉस के आगे चलो आई हो गया। उल्टा चलना है मान लो, मैंने कहा आई क्रॉस के निकालो, ऐसे क्लॉकवाइज में आ जाओ, तो आई क्रॉस जे, जब आई क्रॉस के जब निकालोगे तो सामने वाला जे आएगा लेकिन माइनस साइन साथ में। तो अगर आप इस डायरेक्शन से उल्टा चलोगे, डायरेक्शन मेरी कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे उल्टा चल रहे हो, ऐसे आओगे, जे क्रॉस आई निकालोगे, तो जे क्रॉस आई के तो आएगा लेकिन माइनस के। ठीक है, तो इस सर्कल से काफी हेल्प हो जाती है।
अच्छा अब ये बताओ, अगर मेरे दो वेक्टर हैं, दोनों की लंबाई कुछ ना कुछ है, इसकी दो यूनिट है, इसकी तीन यूनिट है मान लो, और मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और वो जीरो आ गया, अब कोई कंफ्यूजन ड्रॉ कर सकते हो? ए क्रॉस बी जीरो आ गया, पैरेलल होंगे दोनों, ये साइन थीटा की वजह से जीरो बना, साइन थीटा की वजह से जीरो बना, साइन थीटा की वैल्यू जीरो हुई होगी तभी ये जीरो बन गया, क्योंकि ये तो जीरो था नहीं, ये भी जीरो नहीं था और ना ये जीरो था, तो ए क्रॉस बी को जीरो बनाने वाला फैक्टर है साइन थीटा, और अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, जीरो डिग्री और 180 डिग्री। तो जब ए क्रॉस बी जीरो होता है तो दो कंडीशन कंक्लूड कर सकते हैं, ए वैक्टर या तो बी वैक्टर के पैरल है या फिर ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर कोलिनियर। तो जब भी आपको कहा जाएगा दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करो, तो ये बहुत आसान तरीका मिल गया हमें, अब हम उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो शो करके बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है या फिर ये पैरेलल है, दोनों के लिए आप इसी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। और सर उल्टा भी सेम होगा? हाँ उल्टा भी सेम होगा, मैंने कहा मान लो ए क्रॉस बी जीरो है तो ये पैरेलल है या कोलिनियर में से कोई एक है, लेकिन मैंने कहा अच्छा ए क्रॉस ए और बी पैरेलल वेक्टर है, तो आपको मैं कहता हूँ ये प्रूव करके दिखाओ पैरेलल है, तो दो तरीके होते हैं, ए को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी जो पुराना तरीका है, या फिर आप इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो भी शो कर सकते हो। अभी करेंगे क्वेश्चंस में, डन? यस सर। तो सर पता कैसे चलेगा लैम्डा वाली यूज करनी या फिर क्रॉस वाली? डिपेंड करेगा देखो क्वेश्चन पे, जब मैं कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, देखो मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट करने दो, आप पहचान पाओगे, खुद ही पहचान पाओगे। ओके सर। सेवन, सपोज करो मेरे पास एक ए वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ आई जे के कंपोनेंट्स, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप है, और इसी तरह से मेरे पास एक और वेक्टर है सपोज बी वेक्टर है, और ये मुझे कुछ ऐसे दिया हुआ है मान लेते हैं बी वन आई कैप, बी टू जे कैप एंड प्लस बी थ्री के कैप, और मुझे इन दोनों का निकालना है अब क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। देखो पहले मैं ए वन आई का क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों के साथ करूंगा, कैसे करूंगा देखो, ए वन बी वन आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या हो गया, आई क्रॉस आई जीरो, तो पहला वाला कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, मैं लिखूंगा इन इसको, अब क्या लिखूंगा मैं ए वन आई कैप क्रॉस बी टू जे कैप, सबसे करेंगे ना एक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, तो जरा बताना वर्बली क्या आएगा, ए वन आई कैप का क्रॉस करो बी टू जे कैप के साथ, ए वन बी टू ये तो आएंगे आएंगे मल्टीप्लाई में, और के कैप आई क्रॉस जे के कैप, फिर आप इसका क्रॉस इससे निकालो जरा लास्ट वाले से, ए वन बी थ्री माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, उल्टा चल रहे हो ना, आई क्रॉस के निकालोगे तो माइनस जे कैप आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, गलत होने के चांस ज्यादा होते, तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे निकालोगे तो आसानी से निकलेगा बिना गलत हुए, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालो, फर्स्ट रो में आई जे के रखो, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो, ए वेक्टर के ए वन ए टू ए थ्री, और थर्ड रो में बी के बी वन बी टू और बी थ्री, और डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो, कैसे करोगे देखो, आई लिखोगे पहले, आई के अलॉन्ग फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम गया, ब्रैकेट ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, ये आई कैप के साथ आ गए, फिर ले लो प्लस जे कैप, हमको मालूम है इस जे कैप के साथ जो को फैक्टर आता है उसका साइन बदलता है, ये बात याद रखनी है, तो एक तरीका तो ये है जे का पहले साइन चेंज कर लो, आप पहले कर लो माइनस कर दिया पहले ही, और बाकी सिंपल ए वन बी थ्री नहीं हमेशा माइनस, बी वन ए थ्री हमेशा माइनस लगेगा बीच में, वो ये माइनस क्यों किया है मैंने, क्योंकि इस को फैक्टर का जो साइन लिया जाता है वो माइनस ही लिया जाता है, और जब ये लास्ट को फैक्टर निकलेगा के कैप के साथ वाला तो फिर प्लस निकलेगा, तो अभी आ जाएगा प्लस के कैप, और के कैप के साथ आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ये आपका इस तरह से आई जे के कंपोनेंट्स में एक वैक्टर बन जाएगा, वैक्टर तो बनेगा देखो ये सर। हाँ जी बोलिए सर, जे के साथ माइनस क्यों लगाया आपने? मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ना ये मान लो एक डिटरमिनेंट लेता हूँ, चलो इसको एक मिनट छोड़ देते हैं, अभी
1 2 3 3 2 1 1 4 3. मैंने कहा मुझे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है, तो क्या तरीका होता है, पहले आप ये वाला वन लिखिए ऑड इवन की वजह से. यस, अब याद है ना, कोई इसका जो को फैक्टर होता है ना, जैसे मैं 2 के साथ इसको एक्सपेंड करूंगा, जैसे मैंने चलो प्लस 2 ले लिया, मैंने माइनस 2 नहीं लिखा, जैसे मैंने प्लस 2 ले लिया, अब मैंने इसका को फैक्टर कैलकुलेट किया, ये वाली कॉलम गया, ये वाली रो गई, 9 - 1 8 आ रहा है, लेकिन मैं 8 नहीं लिखूंगा, मैं इसको -8 लिखूंगा. तो मैंने क्या किया, इस माइनस को ना पहले यहाँ माइनस कर दिया, ये ऐसे लिख दिया मैंने, समझो. तो मैंने यही किया, इसका मेरे को साइन चेंज करना था, तो मैंने पहले माइनस कर दिया और साइन चेंज नहीं किया. ठीक है, यस. अब एक बात और सुनना जरा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट भी करूंगा इसलिए. देखो ये सॉल्व करके एक वेक्टर आएगा, एक नया वेक्टर नजर आएगा आपको, इन दोनों में से नहीं होगा, वो आई जे के फॉर्म में एक नया वेक्टर नजर आएगा. ठीक है, आपने मान लिया इस वेक्टर का एक नाम है लेट से आर वेक्टर, ये जो सॉल्व करके आएगा. इस आर वेक्टर की खास बात क्या होती है, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ये परपेंडिकुलर होगा किस किस पे, ए वेक्टर पर और बी वेक्टर. That means, आप चाहो तो ये दिखा सकते हो r वेक्टर का a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और r वेक्टर का b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चन लगभग लगभग तय होता है. मैं बताता हूं, जब मैं आपको दो वेक्टर दूंगा तो आप निकाल लोगे, ऐसे एक्सपेंड कर लोगे, तो 2y - 3j + 4k कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ आ जाए. मैं आपको कहूंगा चेक करके बताओ क्या ये a और b पे परपेंडिकुलर है, तो 100% लिखो. ये कैसा वेक्टर निकलेगा जो ए और बी दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा, मैं कहूंगा मुझे प्रूव करके दिखाओ परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आप आर का ए के साथ डॉट निकाल के दिखाओगे, फिर आप आर का बी के साथ डॉट निकाल के दिखाओगे, दोनों केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. परपेंडिकुलर शो करना है तो डॉट यूज करो. अच्छा, अब चलो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप ये नोट करिए. उसके बाद 8th, 9th, 10th नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 8 ये है, देखो a डॉट b हम लोग करके आए. a डॉट b क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा. फिर हम लोगों ने आज पढ़ लिया क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका मैग्नीट्यूड होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर इंटू साइन थीटा. यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही स्केलर प्रोडक्ट होता है. ये हमारे a डॉट b और a क्रॉस b होते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं इसकी स्क्वायरिंग कर लो और इसकी स्क्वायरिंग कर लो और दोनों को ऐड कर दो, a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो मुझे आप इन दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करके जरा बता दो यहां पे क्या लिखना है. चाहे आप रफ पेपर यूज करके कर लो, इसकी स्क्वायरिंग कर लो तीनों की, इसकी स्क्वायरिंग कर लो और जरा दोनों को ऐड कर लो, वर्बली भी कर सकते हो, मुझे यहां बता दो क्या लिखना है. स्क्वायरिंग करके ऐड करनी है आपको RHS, मैंने LHS ऐड किया, वो तो बन हो जाएगा. बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर इनटू b का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ये बचेगा भाई. सीधी सी बात है, जब आप इन दोनों की स्क्वायरिंग करके मैं कहूंगा ऐड करो, तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो तो बन हो जाना है. ये आइडेंटिटी आपको जरूर याद रखनी है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, अप टू मार्क्स में पूछ सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस का सम्मिश्रण हो गया, मिक्सचर बना देते हैं, तो इसमें डॉट और क्रॉस का दोनों का मिक्सचर आ गया, तो दो टॉपिक एक साथ बन जाते हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन मतलब दो टॉपिक मिक्स कर दिए, डॉट बी और क्रॉस. इंपॉर्टेंट है, को उधर माइनस में भी ले जा सकते हैं. हाँ बिल्कुल, अब ये तीनों नंबर है, इस सबके सब नंबर है, ये भी नंबर है, ये तो नंबर होता ही है. खैर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो इन दो नंबर के स्क्वायर का सम इसके इक्वल होता है. अब तो आप किसी को प्लस माइनस में ले जा सकते हो. ओके सर, चलिए भाई अभी दो प्रॉपर्टी और बची, नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन लेंगे सिंपल, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेयर ए वेक्टर गिवन है
आई माइनस सेवन जे प्लस सेवन के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के, ये आपके ए और बी दो वेक्टर गिवन। तो एक मैं करके दिखाता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, फिर आप ट्राई करेंगे। सबसे पहला काम आप ए क्रॉस बी निकाल, उसके लिए आप क्या करो डिटरमिनेंट का यूज कर दो, बाकी आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है। ये आई जे के लिखेंगे यहां वन माइनस सेवन सेवन, मतलब ए के कोफिशियंट आएंगे, ध्यान रखना आई का कोफिशियंट आई के नीचे आना चाहिए, ऐसे मैच होना चाहिए, और बी के कोफिशियंट हो गए थ्री माइनस टू प्लस टू। इसे एक्सपैंड कर लो यहाँ पे, आप डिटरमिनेंट को सिंपल एक्सपैंड कर लो, लेकिन बहुत ध्यान से प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस फोर्टीन और माइनस माइनस प्लस फोर्टीन, आई कैप के साथ तो जीरो आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस जे कैप के साथ देखते हैं क्या आएगा, टू टू माइनस ट्वेंटी वन माइनस नाइनटीन आया, और फिर देखते हैं के कैप के साथ क्या आएगा, के कैप के साथ आएगा माइनस टू और प्लस इक्कीस, माइनस टू में इक्कीस प्लस हो गए तो ये उन्नीस आ गया। जब भी 19 root 2 आ रहा है सर मैग्नीट्यूड, करेक्ट आंसर। देखो जब भी आपके दो वेक्टर ना आईजेके की फॉर्म में, आईजेके की फॉर्म में बोलूंगा मैं इसको, और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं हमेशा डिटरमिनेंट यूज करूंगा। हाँ आंसर, अभी तो ये वेक्टर निकला है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन आपको आपका जो ए क्रॉस बी निकला है वो तो ये निकल गया भाई, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो आई तो लिखेंगे नहीं, 19 जे प्लस 19 के। अब कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो निकाल देते हैं अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन, बन गया 19, या रह गया अंडर रूट 2, 1 प्लस 1, आंसर हो गया 19 अंडर रूट 2। सिंपल क्वेश्चन था। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में भी यूज कर रहे थे और क्रॉस में भी परपेंडिकुलर वर्ड को यूज किया मैंने, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो जाता है। वो कहते हैं पहले तो कहा था परपेंडिकुलर अगर प्रूव करना हो या परपेंडिकुलर दे रखे हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन और आ गया है, तो क्या करना है, ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। इफ टू वैक्टर्स are given and perpendicular to each other, ध्यान देना मैंने लिखा है two vectors are given, दो vector दिए हुए हैं और कैसे दिए हुए हैं, perpendicular to each other, then आपको हमेशा एक काम करना है, अगर ये perpendicular बोले जा रहे हैं या ये perpendicular है तो condition पूछने क्या होती है, तो condition होती है दो vector का dot product हमेशा हम zero लेते हैं अगर वो दोनों वेक्टर गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि वो परपेंडिकुलर। अब दूसरी बात, इफ अ वेक्टर इज रिक्वायर्ड, एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट आई है, वेक्टर निकालो, एक कंडीशन ये है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन अब इस लाइन में और इस लाइन में पढ़ने में फर्क है, यहां पे एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट है तीसरे वेक्टर की, जो किस पे परपेंडिकुलर है, ए और बी जो गिवन वेक्टर्स हैं उन पे परपेंडिकुलर है एक तीसरा वेक्टर, यहां पे किसी तीसरे वेक्टर की जरूरत नहीं है, यहां पे तो ये कह रहे हैं अभी दो वेक्टर हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं पहले से, तो आप क्या करोगे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लोगे। लेकिन अब यहां पे एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट आती है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो वो वेक्टर कैसे निकालना है आपको, उस वेक्टर को निकालने के लिए लेट्स से आर वेक्टर है उसका नाम, तो आपको क्या करना है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा जरूरी नहीं है ए क्रॉस बी निकालना है, आप चाहो तो बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, राइट। तो ये दिमाग में पॉइंट अपने क्लियर रखना, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो कहता है एक वेक्टर की जरूरत है उसे, क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर निकालो, अब क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों के ऊपर, तो ध्यान रखो आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के ही वो वेक्टर पता लगाना है। क्वेश्चन लिखो, हाँ नोट कर लो ये चीज, ध्यान से ध्यान रखना, बच्चे बहुत मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है उल्टा कर देते हैं,
कई बार परपेंडिकुलर बोल रहे हैं लेकिन फिर भी क्रॉस निकाल देते हैं। जब परपेंडिकुलर बोल रहे हैं वेक्टर परपेंडिकुलर ऑलरेडी है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन एक वेक्टर फाइंड करना है जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा जबकि दोनों परपेंडिकुलर नहीं है आपस में, तो वो वेक्टर फाइंड करने के लिए इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the vectors a vector plus b vector which is perpendicular to the vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector। इन दोनों पे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और साथ साथ यूनिट भी होगा। अब लिख लो वेयर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i cap प्लस 2j cap प्लस 2k cap, 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड b वेक्टर जो दिया हुआ है ये है i प्लस 2j माइनस 2k। अब बताओ क्या a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर बोले जा रहे हैं या नहीं बोले जा रहे? नो सर, बोले नहीं जा रहे। नहीं बोले जा रहे। वो कहता है एक यूनिट वेक्टर निकालो जो a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो पहले इन दोनों का पता तो करो ये दोनों है क्या जरा, तो सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट करो, पहले a और b को जोड़ के पता करो क्या रहा है। भाई a और b को पहले प्लस तो करो, पता चले क्या रहा है। 4i प्लस 4j प्लस 0k, छोड़ो नहीं लिख रहे हम 0k कैप। अब माइनस करो, a में से b को माइनस करो, 2i 0j तो हो गया, हटाओ छोड़ो उसको, तो प्लस 4k। ठीक है, ये a प्लस b आ गया, ये a माइनस b आ गया। मुझे कैसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो मुझे क्या करना होगा इन दोनों का? क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे इन दोनों को परपेंडिकुलर नहीं शो करना है। फिर से ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर, वो कहता है इन दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेकर आओ, तो सिंपली आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। यहाँ पे आप लिख भी दो, आप किसका क्रॉस निकाल रहे हो, a प्लस बी का a माइनस बी के साथ सॉल्व कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में 4 4 0, ध्यान देना k का कोफिशिएंट 0 लिया है मैंने, और थर्ड रो बोल देना जरा 2 0 4, उसमें जे नहीं है ना, तो 204। एक्सपैंड करके वेक्टर पता लगाओ क्या आ रहा है। एक्सपैंड करो, मुझे आंसर बताओ क्या। एक्सपैंड ध्यान से करना। डन सर। क्या आ रहा है एक्सपेंड करके? 16i caps माइनस 16j caps माइनस 8k caps। ओके, 16i caps माइनस 16j caps और माइनस 8k caps, करेक्ट। अब देखो ये वो वेक्टर निकल आया, तीसरा हो गया ना, दो तो पहले से थे हमारे पास। ये तीसरा एक ऐसा वेक्टर निकला है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ये बात हम छोटी से कह रहे हैं, जिसको चेक करना है वो कर ले अपने आप, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना नहीं है परपेंडिकुलर है, हम तो कह रहे हैं पक्का परपेंडिकुलर। चेक कैसे करोगे, मान लो मैं कहता हूँ फिर भी चलो एक बार चेक कर लो, भी पता चला ना हो तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू। अब देखो ये वाला वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, हम जानते हैं, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए भाई। करें चेक, देखो 4 × 16 = 64, 4 × -16 − 64 और 0 × -8 = 0, तो हो गया जीरो, हो गया वेरीफाई। ये वेक्टर इस पे कैसा है, परपेंडिकुलर है, और चेक कर लो ये भी इस पे कैसे आएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन क्या ये यूनिट वेक्टर है? हमें यूनिट तो चाहिए। अब बताओ किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हो? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट। यस, इस वेक्टर को डिवाइड में रख दो इसी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये आंसर नहीं है, आंसर तो नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, ये रिक्वायर्ड नहीं है,
16 i का माइनस 16 j का माइनस 8 k का डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या करूं, सारे होल स्क्वायर खोल के प्लस करके फिर स्क्वायर रूट सॉल्व करूं? नो सर, 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, और क्या ऊपर से भी 8 कॉमन ले लो, 2i माइनस 2j माइनस k। और देखो यहां से अगर मैं 8 स्क्वायर को बाहर कॉमन लूंगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 8 बनेगा। अब बता दो अंडर रूट में क्या बचेगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 9 हो गया, तो 9 हो गया, तो बीसी क्या जरूरत है, तो 3 लिख लो ना सीधा इसको, ये 3 हो गया, 8 से 8 काट दो, बचा हुआ आंसर है। ये वो वेक्टर है फाइनली जो क्वेश्चन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, ये वेक्टर क्या इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, 100% है, या ये वेक्टर यूनिट है, अब ये भी 100%। तो फाइनल आंसर तो यही हुआ, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप होल डिवाइडेड बाय 3। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अब दिमाग में अच्छे से याद रखनी है वाली बात, दो वेक्टर पे एक तीसरा वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। और अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर चेक करने हैं या दिए हुए हैं, तीसरा वेक्टर नहीं चाहिए, बस इन्हीं दोनों को चेक करना है परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। क्लियर, ट्राई करो अगला। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, लगभग सेम क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, सेम क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब आप लिख लो, वेयर a वेक्टर इज इक्वल्स टू I plus J plus K and B vector is equals to I plus 2J plus 3K। ये वो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं A और B, जिनकी हेल्प से A plus B minus B निकालने हैं आपको। ट्राई कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन। आंसर था ना फाइनल पूरा निकाल। So minus i cap plus 2j cap minus k cap upon root 6. Correct answer, पूरा मैच होता है। Same sir. पूरा आंसर मैच हो रहा है, क्योंकि आंसर यही आ रहा है। Minus i cap plus 2j cap minus k cap whole upon root 6. और ऐसा नहीं है, देखो हम तो जनरली यही करते हैं क्योंकि आंसर बुक से मैच करना है, हम a plus b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं a minus b के साथ। इनफैक्ट आप रिवर्स कर सकते हो, a माइनस b का क्रॉस a प्लस b से भी निकाल सकते हो, तो आपके आंसर में और दूसरे बच्चे के आंसर में एक माइनस साइन का फर्क होगा, लेकिन वो 100% दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए इन्हें, इन एवरी डायरेक्शन को हमें माइनस पीछे प्लस चाहिए, तो कोई भी निकाल सकते। नहीं नहीं, 265 तो आई है आपका, a प्लस b क्रॉस a माइनस b क्या आ रहा है, पहले चेक करवाओ। Determinants of, no, 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 no.
अच्छा ए प्लस बी चेक करो पहले, ए प्लस बी खाली ए और बी का था, ठीक है अब ए माइनस बी बताओ, माइनस जे माइनस, ये गलत आ रहा है, दोबारा चेक करो के वाला टर्म गलत आ रही है, ए में से बी को माइनस करो ना ध्यान से जरा, माइनस जे माइनस टू के नहीं आएगा, ए में से बी माइनस करते हैं तो आई माइनस आई जीरो, जे माइनस टू जे तो माइनस जे का, और ऐसी के माइनस थ्री के माइनस टू के आएगा जीरो माइनस वन माइनस, फिर खोलो मैं मेरे को बाकी बच्चे इधर बता दो हुआ या नहीं हुआ। यस सर डन। किसका डिस्कनेक्ट हो गया, मशीता का डिस्कनेक्ट हो गया सर, आंसर क्या है? आंसर आ रहा है इसका माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप और फिर होल डिवाइड में आ रहा है अंडर रूट सिक्स। ओके सर, किस में कह रहे हो माइनस टू आई कैप? ए प्लस बी फिर से चेक कराओ तुषार मेरे को, बस एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। सर मैंने जो जे वाला है ना उसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर लिया। मर्जी है, कोई ऐसा नहीं, मर्जी होती है, मैं तो कह रहा हूँ जरूरत क्या है, सीधा सीधा डिवाइड। हाँ कोई स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है जैसे इसमें था एट वगैरह कॉमन आ रहा था और नीचे भी हमने एट कॉमन ले लिया था तो उतना सॉल्व तो करना पड़ता है ताकि आंसर पूरी तरह से मैच करे टीचर के वर्कशीट से। ठीक है अब ये माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू वाई क्या है, लिखो माइनस टू वाई क्या। अच्छा अब जे के साथ करो, जे के साथ ये गया ये गया नहीं ये पहले तो ऐसे आता है ना, पहले ऐसे आएगा ना माइनस टू और माइनस जीरो तो माइनस टू तो बचा माइनस टू के कैप, नहीं माइनस टू के कैप, बस अब इसको डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड, हाँ अब इसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ये रिक्वायर्ड वेक्टर नहीं है, नीचे लिखना रिक्वायर्ड वेक्टर। अंडर रूट इसका 24 आ रहा होगा ना, फिर उसको टू रूट सिक्स लिख सकते हो, मान लो नहीं भी करोगे तो मार्क्स नहीं करते लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और कर लोगे। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन दिया हुआ है ए वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वन दिया हुआ है तो हमारे हिसाब से दोनों ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है ना क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ये भी दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना। तुम पूछ लो कोई बातें भी प्रॉब्लम पूछ पाओगे, हो गया एग्जाम, अरे वाह पेपर दिखाना, ये मैं रख लो मैं दे दूंगा तुमको, आज बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। ए क्रॉस बी अगर यूनिट है तो इसका मतलब क्या है भाई, उन्होंने बोल दिया ए क्रॉस बी यूनिट है तो हम क्या समझेंगे इसका मतलब, हम तो ये कहेंगे ना 90 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है भाई, अगर ए क्रॉस बी यूनिट है तो हमने क्या बोला, हमने कहा इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल ले लो। अब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की पहली प्रॉपर्टी ये तो लिखवाइए, देखो ए
हाँ थीटा निकाल क्यों इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉड ए हाँ तो साइन थीटा अगर वन आ रहा है ना ये वन हो गए दोनों ये वन इंटू साइन थीटा इक्वल टू वन तो साइन थीटा तो वन हो गया ना तो साइन थीटा वन कितने डिग्री एंगल पे होता है 90 पे तो होता है साइन वर्स की जरूरत क्या है थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लो क्वेश्चन सॉल्व थीटा इसका पाई बाई टू है डन हो गया बाकी बच्चों का हो गया था ऑनलाइन यस सर एक चीज और बस एक लास्ट और कर लो तो यार मेरा ना बेसिक क्वेश्चंस माइंड अप हो जाएंगे आज एक ही और एनसीईआरटी का ही है इसकी जरा वैल्यू निकाल के बता दो बस फाइनली आई डॉट जे क्रॉस के आई का डॉट जे क्रॉस के से प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे जे बार वन श्योर ध्यान से चेक करके बताना वन या थ्री दो ऑप्शन दे रहा हूं सर वन वन ओके भाई आप लोग बताना ये कह रहे हैं वन मेरे हिसाब से थ्री होना चाहिए सर्कल बना लेना अगर क्रॉस में कंफ्यूजन कभी भी आए ना कि जे क्रॉस के क्या होता है पता नहीं चल रहा है भूल गए हैं सर्कल बनाओ फटाफट से तीन एरो लगाओ एंटी क्लॉकवाइज आई कैप आई कैप क्या बीच में कुछ तो बोलो डॉट वन होता है जीरो थोड़ी होता है आई टू आई तो वन होता है आंसर बताओ फाइनल वन आंसर दिशा थ्री नहीं है आपका आंसर ठीक है भाई सबका देखो सिंपल है बहुत सिंपल क्वेश्चन है जे क्रॉस के क्या होता है पहले तो ये देखो जे क्रॉस के सर्कल से देखो जे क्रॉस के सर्कल से आई निकला प्लस फिर ये जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हो देखो आई क्रॉस के उल्टा सर्कल आएगा जे देखो माइनस का आएगा भाई उल्टा चल रहे हो और इसमें आ जाओ जरा तीसरे वाले में ये आई क्रॉस जे सीधा चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो आई क्रॉस जे के हो गया अब ये लो वैल्यू पुट कर लो आई डॉट आई वन ये माइनस प्लस माइनस जे डॉट जे वन के डॉट के वन आंसर वन इसका आंसर जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो पता नहीं कितनी कॉपीज में थ्री था जल्दीबाजी में कर गए इसको लिख दिया जे कैप और फिर वन प्लस वन थ्री बना दिया आंसर जीरो मार्क्स हो गए वन मार्क में आया था जब तो इसलिए क्रॉस को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है आई डॉट आई तो वन होता है वो दिक्कत नहीं करता हमें और आई डॉट जे जीरो होता है वो भी दिक्कत नहीं करता ये क्रॉस वाले थोड़ा दिक्कत करते हैं क्लियर तो एक क्लास और लगाएंगे क्रॉस कोर्स में एग्जाम लगा लूं जरा कोर्स का तो खत्म होगा आज डेट क्या हो गई पांच हो गई आठ को तो हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड अप ठीक है उसके बाद दस बारह दो क्लास नहीं तेरह दस बारह तेरह का संडे अठारह क्या अरे होली भी तो आ गई है कब है होली सामा गब्बर पूछता है बोले पिक्चर में पंद्रह नहीं होली कब की है तो सत्रह क्लास रख लेंगे ना तो दो दो क्लास ये मान लो थ्री डी में तीन क्लास लगा लो तीन क्लास थ्री डी में सत्रह कॉलेज बच गई यार अभी तो आपकी भाई मैं ऑनलाइन क्लास रखूंगा एक्स्ट्रा कुछ ऑनलाइन कर लूंगा संडे या घर वाले लास्ट कोर्स कब तक खत्म कर दोगे मेरे को यार लग रहा है 20 मार्च खिंच जाएगा मैं बोलता 15 मार्च लेकिन मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्लास रखूंगा एक्स्ट्रा आप लोग ज्वाइन कर लेना ओके सर ओके जी चलिए।